नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। सबसे पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। बाढ़ के कहर से जूझ रहे लोगों का फूटा गुस्सा, अंचलाधिकारी को बनाया बंधक, एसडीओ डीएसपी ने मौके पर पहुंचकर छुड़वाया। बकरीद को लेकर प्रदेश सरकार की नई गाइडलाइन, डीजीपी ने दिए पुलिस अधिकारियों को कई निर्देश, सोशल मीडिया पर रहेगी पैनी नजर। और बाढ़ के पानी में डूबकर हो रही मौतों का सिलसिला जारी। कोरोना संकट को देखते हुए बिहार में बकरीद के दौरान सामूहिक आयोजनों पर रोक लगा दी गई है। इस मामले में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने प्रशासनिक सख्ती बढ़ाते हुए गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में डीजीपी ने सभी जिलों के एसपी को निर्देश जारी किया है। डीजीपी ने कहा है कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसको लेकर लोगों को लाउड स्पीकर लगाकर जागरूक किया जाए। विधि व्यवस्था के मद्देनज़र जिलों को जोन और सेक्टर में बांटा जाएगा। मजिस्ट्रेट के अलावे पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए डीजीपी ने यह निर्देश दिया है। उन्होंने बकरीद के मद्देनज़र संवेदनशील इलाकों में दंगा निरोधी दस्ता की तैनाती की बात कही है तथा इसके अलावा सभी एसपी को सोशल मीडिया पर नज़र रखने के लिए बोला है। साथ ही थानेदारों को कहा गया है कि छोटी छोटी घटनाओं को भी गंभीरता से लें और घटनास्थल पर निरीक्षण करें। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पूर्वी चंपारण के चकिया से है। खबर के मुताबिक यहां बाढ़ के कहर से जूझ रहे लोगों के गुस्से का शिकार प्रशासन के लोगों को होना पड़ा है। बताया जा रहा है कि यहां बाढ़ पीड़ितों ने चकिया अंचलाधिकारी को बंधक बना लिया है। गौरतलब है कि चकिया आदि के क्षेत्रों में बाढ़ का पानी ग्रामवासियों के घर में प्रवेश कर गया है, जिसकी वजह से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां लोग चकिया मधुबन जाने वाली सड़क पर त्रिपाल सेट लगाकर अपने घर परिवार को सुरक्षित रख रहे हैं। साथ ही पशुओं को भी सड़क पर ही रखना इनकी मजबूरी बनी हुई है। फिर भी सरकार के द्वारा किसी प्रकार की सुविधा मुहैया न होने से आक्रोशित लोगों ने आज चकिया अंचलाधिकारी को बंधक बना लिया। यह मामला चकिया थाना क्षेत्र के 12 गोविंद गांव की बताई जा रही है। सूचना पर पहुंचे अनुमंडल पदाधिकारी ब्रजेश कुमार, डीएसपी शैलेंद्र कुमार ने बाढ़ पीड़ित आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर सरकार के द्वारा दी जाने वाली व्यवस्था को त्वरित दिलाने का आश्वासन देते हुए बंदी बने सीओ राजकिशोर शाह को लोगों के झुंड से छुड़वा लिया। सुगौली में पिछले दिनों नगर पंचायत के वार्ड नंबर 3 में बहुरुपिया रेलवे गुमटी के पास रेल पुल में डूबे युवक का शव एनडीआरएफ की टीम ने खोज निकाला है। वार्ड के पार्षद पति मुन्ना लाल ने बताया कि डूबे युवक की खोज के लिए परीक्षाधीन अंचलाधिकारी नेहा कश्यप से गुहार लगाई गई, जिस पर अधिकारी ने मंगलवार को एनडीआरएफ की टीम बुलवाकर शव को खोज निकलवाया। यहां बता दें कि बहुरुपिया निवासी आस मोहम्मद अंसारी के पुत्र मुस्तफ़ा अंसारी विगत शुक्रवार को बहुरुपिया रेलवे लाइन के समीप बाढ़ के पानी में गिर गया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों और एनडीआरएफ की टीम ने भी शव की खोजबीन की थी, लेकिन नहीं मिल सका था। इस वजह से परिजन व लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया था, जिसके बाद भारी मशक्कत के बाद शव को कल एनडीआरएफ की टीम ने खोज निकाला। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाढ़ के पानी में डूबकर हो रही मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर पूर्वी चंपारण के तुरकोलिया गांधी घाट नदी में भी स्नान करने के दौरान पानी में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतक किशोर तुरकोलिया स्कूल चौक का रहने वाला है। शव को पानी से निकालकर पुलिस जांच में जुटी है। किशोर की मौत से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। चकिया NH-28 बंझूला से चेता चोरमा ढाका जाने वाली सड़क NH-104 भी बाढ़ के कहर का शिकार हुई है। सूचना है कि यहां नरहर पकड़ी पुल के नज़दीक अप्रोच पथ पर बूढ़ी गंडक नदी के कटाव के कारण दरार आ गई है, जिसके कारण पुल का दक्षिणी छोर ध्वस्त हो रहा है। इसकी खबर मिलने के बाद पथ निर्माण कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा यहां जोर शोर से बोरे में मिट्टी और पत्थर डालकर ठीक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी नदी की धार अपने कटाव से बाज नहीं आ रही है, जिस कारण यह पथ कभी भी पूर्ण रूपेण ध्वस्त हो सकती है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब बाढ़ आने का समय होता है तो यहाँ पर आला अधिकारी आते जाते हैं, लेकिन बाढ़ के खत्म होने के बाद इसे देखने के लिए या संबंधित पदाधिकारी कभी भी नहीं आते हैं। अगर आते तो यह दुर्दशा नहीं होती। बूढ़ी गंडक नदी यहाँ पर मौजूद बांध के नज़दीक कटाव करती हुई पहुँच गई है। अगर यह बांध टूट जाता है तो लगभग 7 से 8 पंचायत इसकी जद में आ जाएंगे, जिसके बाद काफ़ी संख्या में जान माल और धन की क्षति होगी। स्थानीय लोगों ने संबंध में एसटीवी न्यूज़ को जानकारी दी है। हम लोग NH 28 के करीब सटे हुए हैं और यह मुख्य मार्ग जो SH है NH 104, ये जो जनकपुर जो आज के डेट में बहुआयामी योजना प्रधानमंत्री की चल रही है जनकपुर धाम के लिए, और उसका जो अप्रोच पथ है नहर पगड़ी पुल का, वह विगत पिछले 20 वर्षों से जब बाढ़ आती है तो यहाँ के लोकल अधिकारी आके सिर्फ फ्लड फ्लाइडिंग 100 बोरा डाल के 5000 बोरा का बिल बनाते हैं, लेकिन उसका अस्थायी समाधान नहीं हो रहा है, जिस कारण यहाँ से सटे लगभग 2-3 पंचायत मुख्य धारा में आने के करीब है, नदी की मुख्य धारा में, चूंकि बांध के नज़दीक नदी आ गई है और इसका कोई निराकरण नहीं निकाला जा रहा है। लगातार 30 से 35 हज़ार जनसंख्या की आबादी वाला यह 2-3 पंचायत काल की गाल में समाने की अग्रसर है और यहाँ प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं आकर इसका व्यवस्था कर रहा, नहीं यहाँ के मुख्य विधायक हो, यहाँ के सांसद हो, किसी को इसका कोई परवाह नहीं है और लगातार जनता हर साल बाढ़ की स्थिति में त्राहिमाम करती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर देश के अलग अलग क्षेत्रों के पवित्र स्थानों की मिट्टी और नदियों का जल पहुँचाने का सिलसिला जारी है। मंदिर निर्माण के लिए सीतामढ़ी जिले से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मण नदी से जल उठाकर और 5 पवित्र जगहों से मिट्टी इकट्ठा कर अयोध्या भेजने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 29 जुलाई रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल रून्नीसैदपुर की ओर से विश्व हिंदू परिषद के उत्तर बिहार प्रांतीय के लिए लखनदेई नदी का जल और 5 पवित्र स्थानों की मिट्टी लिया गया, जिन्हें स्पीड पोस्ट या कुरियर के माध्यम से अयोध्या भेजा जाएगा। मौके पर रंजन कुमार सिंह ने बताया कि मां जानकी की धरती की मिट्टी भेजी जा रही है। यह जल और मिट्टी भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण में अलौकिक शक्ति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हम सभी को बहुत जल्द ही पावन जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर देखने को मिलेगा। मौके पर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि भरत भूषण सिंह, अधिवक्ता परशुराम सिंह, विहिप संरक्षक राम सागर सिंह सहित विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि का शिलान्यास होने जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। 500 साल की प्रतीक्षा के बाद पहली बार हिंदू समाज राम जन्मभूमि पर विजय प्राप्त करके पुनः रामलला का मंदिर बनाने जा रहा है। इससे पूरा भारत और पूरा विश्व का हिंदू समाज सनातन धर्म की ओर लौट रहा है और इससे पूरे संसार को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाला यह बुद्ध की भूमि पुनः सारे संसार को मार्गदर्शन देगा, राम जन्म भूमि। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के निर्देश पर PDNHI दरभंगा ने डुमरिया घाट पुल NH 28 को प्राथमिक तौर पर मरम्मती कर आवागमन के लायक बना दिया है, लेकिन अभी यहां धीमी गति से ही गाड़ियों के पास कराने की अनुमति है। गौरतलब है कि डुमरिया पुल जिले को गोपालगंज से जोड़ती है और यह उत्तर पूर्व को जोड़ने के साथ पूरे भारतवर्ष में इस सड़क मार्ग से जाया जाता है। वहीं इस बीच जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने बताया है कि बूढ़ी गंडक का बांध सुरक्षित है। सहायक अभियंता, जूनियर अभियंता एवं होमगार्ड द्वारा बांध पर गश्त किया जा रहा है। जलस्तर भी धीरे धीरे घट रहा है। वहीं मोतिहारी DM के निर्देश पर पिपरा कोठी रक्सौल हाईवे में भी मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया है। गंडक नदी में आई बाढ़ के वजह से चंपारण तटबंध के ध्वस्त होने के बाद केसरिया क्षेत्र पूरी तरह बाढ़ की चपेट में है, जिसके वजह से राजधानी पटना को जोड़ने वाली सड़क SH 74 केसरिया पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुका है, जिसके वजह से राहगीरों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया है। वहीं विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप परिसर पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। परिसर में आने जाने का रास्ता भी पानी में डूब चुका है।
स्तूप दर्शन एवं राजमाता मंदिर में पूजा अर्चना पूर्ण रूप से बाधित हो गई है। फिलहाल पर्यटक स्तूप परिसर में नहीं जा सकते हैं। हालांकि लॉकडाउन के कारण आवागमन भी कम हो रहा है। वहीं बौद्ध स्तूप के ठीक सामने SH 74 के समीप बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया कैफेटेरिया एवं पर्यटक विश्राम गृह के चारों ओर समंदर सा नजारा है। यहां बता दें कि केसरिया प्रखंड का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। चंपारण तटबंध के अंदर की स्थिति और भी भयावह है। लोग तटबंध पर शरण लेने को मजबूर हैं। वहीं तटबंध के इस पार भी कई पंचायत बाढ़ की चपेट में हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। बहुत स्तूप तक पानी में डूबा हुआ, हम लोग का दुकान होटल जो सब डूब गया, बड़ी परेशानी है। सारा टायर धो गया हम लोग का, देख रहा है कि पानी का बहुत, सब दुकान भी गिरने वाला है हम लोग का। अब यहाँ पे बहुत खराब स्थिति, आप देखिए अब क्या होता है। अभी और पानी बढ़ ही रहा है, एकदम रास्ता जाम बाटे पानी से, एकदम तबाही भी तो रहा बाटे पानी से, एकदम तनको मन के अथी नहीं खे, एकदम हेल के आदमी जाता है, हेल के आवता है। यही में परिवार के सरिया अभी चार दिन से थाने के कहीं कहाँ गए कहाँ ना, कुछ कहा पता नहीं, दहा गल के कहाँ बात, हमने मालूम में नहीं चलो कहाँ बा कहाँ। अब हमने का कौन उपाय करी सब, खोज रहा बानी कि वहीं भेट गए तो भेट गए, ना भेट तब का कर। सरिया और लाला छापरा के बीच में बहुत बुरा हाल है। कहीं जांग भर पानी है, कहीं डांड भर है, कहीं छाती भर भी है। देखिए देख रहे हैं मोटरसाइकिल लेकर भी डुगड़ा कर ला रहे हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है। ये सब आपका छपरा और गोपालगंज, इधर पटना भी जाने के लिए, साहेबगंज जाने के लिए सारा रास्ता ही ब्लॉक है। इतना ना परेशानी है, हर आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कैसे जा रहे हैं भैया? अभी तो देख नहीं रहे हैं, मोटरसाइकिल ठेल कर जा रहे हैं, डांड भर देख रहे हैं, छाती तक भीजा हुआ है, ऐसे गाड़ी बंद करके ठेल कर ला रहे हैं। हम जो रोड पर खड़े हैं, यहाँ केसरिया से रोड जाने वाली है मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, यह इस रास्ता पे इतना ना जल बढ़ गया है जिसे सभी गाड़ी को और सभी लोगों को मतलब परेशानी है आने जाने में। कमर भर कहीं कहीं तो कमर से ज़्यादा छाती पर भी पानी हो गया है ना। इसके जल को निकासी के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, है ना। इस प्रकार से क्या होगा कि हम लोग यानी कुछ चलाना चाहिए उनको, जैसे नाव वगैरह ये चलाना चाहिए, और तत्काल में तो वो चलाना चाहिए, और इसके जल को निकासी के लिए भी उनको सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए एसटीवी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।